अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैंने BS की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड करंटली नाउ आई एम वर्किंग हेयर इन रियान फाउंडेशन एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ $100 इंटर्न। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, कोर्स का टॉपिक है, वो है HTML की बेसिक्स। आज के कोर्स के अंदर मैं आपको HTML की बेसिक्स बताऊंगा और कि HTML क्या है, कैसे वर्क करता है और हम HTML को क्यों यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली HTML है क्या। तो HTML एक है हमारी वेबसाइट, जो भी होती है वेबसाइट है हमारी या वेब एप्लीकेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन करना होता है वो हम HTML के ऊपर खड़ा करते हैं। जो भी बाद में जो उसकी डिज़ाइनिंग है या उसके फीचर्स हैं, उसके लिए हमारे पास CSS है, JavaScript है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो फंक्शनलिटी है। लेकिन जो मेन बेसिक फीचर होता है हमारा वो होता है HTML, जो भी किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वेब डेवलपमेंट के लिए और ये आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि HTML कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली HTML जो है वो है एक मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज एक जो है टैग्स यूज़ करती है जिसके अंदर जो ह्यूमन रीडेबल टैग्स होते हैं। बाकी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इतनी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं, यूज़र फ्रेंडली नहीं होती कि आप उसको समझ सकें वो क्या कह रहा है। लेकिन HTML बिल्कुल डिफरेंट है। HTML में अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए इमेज के नाम का टैग है, आप समझ जाते हैं कि ये इमेज के लिए यूज़ हो रहा है। कोई वीडियो यूज़ करनी है तो उसके लिए वो वीडियो का टैग यूज़ करता है। कोई टाइटल लगाना है उसके लिए टाइटल का टैग। तो इस तरह से यूज़र फ्रेंडली नाम और कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं HTML में और इसके थ्रू वो अपना स्ट्रक्चर एक बनाता है। फिर बाद में डिज़ाइनिंग के लिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस या स्टाइल शीट्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज के कोर्स के अंदर हम जो है बेसिक कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप HTML की कैसी चीज़ें बनती हैं। उसमें लिस्टिंग हो गई, HTML के टेबल्स हो गए, इमेजेस हो गए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और क्या जो भी है, हमें पैसे पूरी की पूरी एक पेज का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है ये सब सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ, तो आप साथ रहिएगा कोर्स के एंड तक। थैंक यू सो मच।